सब्सक्राइब करें शाह शुफा ट्रिक्स को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, दिस इज शाह शुफा अली और वाचिंग शाह शुफा ट्रिक्स। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एडोब की कोई भी प्रोडक्ट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी सीडी के जरिए, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर एडोब की कोई भी प्रोडक्ट, मतलब एडोब प्रीमियर हो, एडोब फोटोशॉप हो, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब ऑडिशन, कोई भी आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है सीडी के जरिए, सीडी से ये सारी चीज़ें एक साथ आप सीडी के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर बिल्कुल सिंपल तरीके से। वो सीडी आपको मिलेगी 50 रुपये की एक सीडी मिलेगी मार्केट से। सीडी खरीदने के बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखे, ये मेरे पास एडोब फोटोशॉप की ये सीडी है, एक सीडी मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है। ये सीडी है, इसके अंदर दो सीडियां हैं, ये सीडी वन और सीडी टू, ठीक है। ये दो सीडियां, सीडी वन और सीडी टू, ये दो सीडियां आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये है एडोब कंपनी का, ये पूरा इसके अंदर सब कुछ है। यहाँ पर आपको दिया है एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इन डिजाइन है, एक्रोबेट है, फ्लैश है, एडोब बिल्डर है, ड्रीम व्यूअर है, फायरवर्क है, और एडोब प्रीमियर है, एडोब आफ्टर इफेक्ट है, एडोब एडिशन है, स्पीड ग्रेड है, प्री लूज है, इनकोर है, ब्रिज है। ये सारी चीजें इस सीडी के अंदर मिलेंगी। ये 50 रुपए की सीडी आपको मार्केट से मिलेगी। तो इसके बाद हम लोग इस सीडी को अपने कंप्यूटर में डालेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों अभी चलते हैं। सबसे पहले इसके तरीकेकार मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्क्रीन पे कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये वन लिखा हुआ, देखिए सीडी के ऊपर मैंने मार्कर से वन लिखा है, ठीक है, वन लिखा। इसको मैं अपने कंप्यूटर में डाल देता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास आए, देखिए यहाँ पे ये सारी फाइलें, जितनी फाइलें ना, इन फाइलों को मैंने कॉपी करके अपने कंप्यूटर में डी में जाके यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। इसमें लिखूंगा कि एडोब, ठीक है, एडोब मैंने लिखा। लिख के यहाँ इसके अंदर मैं इन चीजों को सेव कर देता हूँ, ठीक है, पेस्ट कर दूंगा। अभी दोस्तों ये मेरे पास अभी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अभी स्क्रीन पे ही देखें, ये मेरे पास इतनी सारी जो फाइलें मैंने कॉपी की थी यहाँ पे पेस्ट कर दी मैंने सारी फाइलें, ठीक है। अब मेरे पास वो पहला सीडी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, हटा के अभी इस सीडी को मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये सीडी नंबर दो, इन तमाम फाइलों को कॉपी करना है, ठीक है। आपने यहाँ से कॉपी करके जाके फिर डी में जाके मैं शाह शिफा ट्रिक्स के अंदर जो एडोब के अंदर जो पहली सीडी मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की थी, इसी जगह पर ही दूसरी सीडी को भी कॉपी पेस्ट करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको भी कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये थोड़े सा टाइम लेगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अभी ये जो दोनों सीढ़ियां मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर दिया अपने कंप्यूटर में, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन तमाम फाइलों को मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ, ये देखिए, ये जिप फाइल जो हमारे पास आई, देखिए ऊपर जिप फाइल, इस जिप फाइल को हमने इंस्टॉल करना है अभी, ठीक है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो नीचे ये बता रहा कि आपने कहाँ पे सेव करना है, ठीक है, अपने जो कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं डी शाह शिफा ट्रिक्स एडोब के अंदर ही अगर मुझे सेव करना चाहे तो मैं एडोब में भी कर सकता हूँ, सी में करना चाहता हूँ सी में भी कर सकता हूँ, ले आपकी मर्जी, यहाँ पे जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं वो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डी में ही एक्सट्रैक्ट करता हूँ, यही पे कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ अभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ये, ठीक है, ये काफी चीजें हमारे पास ये आई हुई है, और यहाँ पे देखे ये चीजें हमने इंस्टॉल किया यहाँ पे, ठीक है, इस कॉपी पेस्ट किया इन चीजों को, सीडी वाले कॉपी पेस्ट करने के बाद ऊपर हमारा पास ये फाइल आई, इस फाइल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करते हैं आप चेक भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सीरियल नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर बाद में मसला हो सीरियल नंबर मांगे तो यहाँ से सीरियल नंबर भी है, दो सीरियल नंबर है ये भी दे सकते हैं, देख के अपने उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक महीने के ट्रायल पे होता है दोस्तों, एक महीने के ट्रायल पे होता है, एक महीने के बाद फिर आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं खरीदना चाहे तो और आपके पास तरीके कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, सॉरी। और इसमें देखिए, यहाँ पे हमने इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सेटअप दिया हुआ, सेटअप पे हम लोग डायरेक्ट सेटअप पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इग्नोर, चलो इग्नोर कर दो इसको, ठीक है। करने के बाद ये हमारे पास ये सेटअप इंस्टॉलेशन हमारा शुरू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो
अब मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने इंस्टॉल और ट्राई, आपने यहाँ पे ट्राई करना है। ट्राई करके यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए ये सारे टर्म्स कंडीशन यहाँ पढ़ना, पढ़ चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये हमारे पास नेट का बता रहा है, ये केरन नेट ओपन करो। नेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने रिसीव करना है नेट ओपन नहीं करना आपने, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास इस तरह देखिए काफी चीजें सारी हमारे पास आ गई, एडोब प्रीमियर की, एडोब कंपनी के जितने प्रोडक्ट है ये सब यहाँ पे शो कर रहा है। एडोब फ्लैश बिल्डर है, एडोब फ्लैश है, प्रोफेशनल है, एयर फॉर पेपर है, क्रोपेड है, एडोब ऑफ्टर इफेक्ट है, एडोब एडिशन, एडोब ड्रीम वीवर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप है, एडोब प्रीमियर है, सारी चीजें हमारे पास ए टू जेड सब आ गए एडोब कंपनी की। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर किसी के ऊपर चेक नहीं लगा हुआ है तो आप चेक जरूर लगाएगा। लगाने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे जस्ट क्लिक करना आपने बस, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ से येस कर देना, अब क्या होगा आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका कंप्यूटर में एडोब प्रीमियर सारे एडोब की जितने भी प्रोडक्ट है सब कम्प्लीटली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। आप फिर आसानी के साथ एक महीने तक इसके यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। एक महीने के बाद ये होगा कि एक महीने के बाद आपको फिर खरीदना पड़ेगा, या तो फिर वैलिड डेट आएगा। वैलिड डेट के लिए फिर क्या आपको सी डी की को मैसेज, जो सी डी की मैंने आपको दिखाया था वो सी डी की आप वहाँ इंटर करके आप एक हफ्ते के लिए फिर वैलिड डेट चला सकते हैं, ठीक है, फ्री में चला सकते हैं। एक हफ्ते बाद आपको फिर खरीदना पड़ेगा, मतलब एक महीना एक हफ्ता आप चला सकते हैं इसे, इसके बाद फिर आपको फिर खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों देखे ये हमारा एडोब प्रीमियर, एडोब के जो भी जितने प्रोडक्ट्स थे ये हम स्क्रीन पे देखे यहाँ पे हमारे पास सारे आ गए, ठीक है, हो गए सब हो गए हमारे पास। ये काफी प्रोडक्ट जितने भी थे सब हो गए। यहाँ से अभी मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद दोस्तों देखे अब हमारे पास ये एडोब प्रीमियर की जितने भी चीजें हैं उनको जाएंगे हम लोग यहाँ पे डी सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एडोब देखे यहाँ पे ऊपर एडोब कंपनी है, यहाँ पे देखे आफ्टर इफेक्ट, बेज, एनकोर, इलस्ट्रेटर, मीडिया इनकोडर, फोटोशॉप प्रीमियर, स्पीड ग्रेड। अब यहाँ से जो हमें चाहिए वो हम लोग डेस्कटॉप पे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, डेस्कटॉप पे ले आएंगे। तो यहाँ पे एडोब प्रीमियर के ऊपर जो जैसे एडोब प्रीमियर का जो ये है, ठीक है लोगो, इसको हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हमने पिन टू टास्क बार करेंगे तो हमारा पर नीचे आ जाएगा, टास्क बार में हमारा शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जाके फोटोशॉप को जाएंगे, फोटोशॉप का भी ऐसा करेंगे, ठीक है, फोटोशॉप का पिन टू टास्क बार करेंगे यहाँ से, ठीक है, फोटोशॉप भी हमारा आ गया, ठीक है। इसके बाद जो हमें चाहिए वो है इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर ये हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने इसको भी पिन टू टास्क बार करेंगे, ठीक है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग आएंगे, अभी हमारे पास आफ्टर इफेक्ट चाहिए, आफ्टर इफेक्ट के यहाँ पे क्लिक करके इसको भी हमने पिन टू टास्क बार करेंगे। तो हमारे पास ये सारी चीजें, ठीक है, आगे एक दो तीन चार चीजें हमें चाहिए, ठीक है। प्रीमियर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और आफ्टर इफेक्ट, ये चार चीजें मैं ज्यादातर यूज करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अब ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, और शाही शिफा ट्रिक्स को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें, ताकि इस तरह के वीडियोस टेक्नोलॉजी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, और मैं वीडियोस लाते रहता हूँ, और सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।